आने वाले समय की सबसे खतरनाक बीमारी जिसके बारे में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रेडिक्ट कर रही है कि 50% पॉपुलेशन में ये देखने को मिलेगी, यानी 60 लोगों में एक आदमी एक औरत में ये बीमारी होगी। और रिसेंटली अगर डेटा की बात करें 2022 में 14 लाख इसके नए केसेस और 2022 में ही अप्रोक्स 9 लाख लोग इस बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। इतनी खतरनाक बीमारी है जिसका नाम सुनकर इन लोग डर जाते हैं। वो बीमारी का नाम है कैंसर। जी हाँ, सही सुना आपने, कैंसर एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी। और अगर बात करें कैंसर में भी सबसे कॉमन होता है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर इतना खतरनाक लोगों को लगता है कि मुंह की कोई भी बीमारी हो, लोगों को बस ये डर हो रहता है कि ये छोटी ही बीमारी हो। असल में वो ओरल कैंसर के बारे में सोचने से भी डरते हैं। इसलिए मैं कहूँगा ये वीडियो को ना आपने शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि ये वीडियो को शेयर आपने मेरे लिए नहीं करना, इस चैनल के लिए नहीं करना, बल्कि भारत के लिए करना है। क्योंकि ये डेप्थ में मैं आप सभी के लिए क्रिएट कर रहा हूँ वीडियो कि ओरल कैंसर होता क्या है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और किन किन जगह पर होता है, और अगर हो जाए तो क्या क्या प्रिवेंशन है, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, और कैसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, और कैसे ओरल कैंसर इतनी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। यकीन मानिए ये बेहतरीन वीडियो होने वाली है पूरे इंटरनेट पर, इसीलिए आपको ये वीडियो को शेयर करना है ताकि हम पूरे भारत में ये अवेयरनेस को फैलाकर पूरे भारत को बचा सके इस खतरनाक बीमारी से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये भारत का वो चैनल है जहाँ पर आप कमेंट करते हैं, आपको दांतों रिलेटेड कोई बीमारी हो आपको समाधान मिलता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप सानी स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पर। तो आइए करते हैं शुरुआत बेहतरीन वीडियो की। सबसे पहले समझते हैं कैंसर आखिर होता क्या है। आप ऐसा समझिए किसी भी सेल में अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए उसको हम कहते हैं कैंसर। क्योंकि जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है किसी सेल में भी, तो वो सराउंडिंग टिश्यू में इन्वेड करने लग जाता है, मतलब सराउंडिंग के टिश्यू, सराउंडिंग के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। अब ओरल कैंसर क्या होता है, आप ऐसे समझिए कैंसर हमारी ओरल कैविटी के किसी भी पार्ट में, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर कोई भी किसी भी तरह की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए उसको हम कहते हैं ओरल कैंसर। ओरल कैंसर किस किस जगह पर हो सकता है इसको ध्यान से समझिएगा कि किन किन जगह पर मुंह में ये हो सकता है। सबसे पहली जगह जिस पर ये हो सकता है, आपके चिक्स पर हो सकता है, आपके लिप्स पर हो सकता है, जीभ के नीचे हो सकता है, फ्लोर ऑफ द माउथ में हो सकता है, मुंह में हो सकता है, पैलेट में हो सकता है, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, थ्रोट में, हमारे गले में, साइनेसिस में, कहीं पर भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पर आप ऐसा मत समझिएगा कि हर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कैंसर ही है, इसके लिए डायग्नोसिस जरूरी है। इसके ना कुछ सिम्टम्स हम समझते हैं कि आखिर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ओरल कैंसर के। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है स्वेलिंग, और दूसरा सिम्टम हो सकता है जैसे मैंने बताया अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। किसी भी माउथ के स्ट्रक्चर में अगर आपको अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखे तो आप एक पल को समझ सकते हैं कि कैंसर की शुरुआत हो गई है। तीसरा सिम्टम हो सकता है लाइकन प्लैनस या एरिथ्रोप्लेकिया, कोई भी लीजन आपको दिख सकता है, व्हाइट पैचेस, रेड पैचेस आपको आपकी ओरल कैविटी में देखने को मिल सकता है, तो आप समझ लीजिएगा कि ओरल कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। और इसके साथ साथ नंबनेस, आपको भारीपन सा लगेगा बिना किसी कारण, ब्लीडिंग हो सकती है किसी भी कारण, माउथ में पेन हो सकता है, आपका भार, आपका वेट कम हो सकता है बिना किसी कारण, आपकी जो वॉइस है उसका चेंज होना, ये भी एक सिम्टम है ओरल कैंसर का। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं ओरल कैंसर के। अब समझते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं कि जिन लोगों में ओरल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है टोबैको प्रोडक्ट्स का कंजप्शन। जो लोग टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का कंजप्शन करते हैं, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में ओरल कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। चाहे वो स्मोकलेस टोबैको का कंजप्शन करते हो, उन लोगों में भी बढ़ती है। जैसे कि कोई गुटखा खाता है, कोई पान मसाला खाता है, कोई खैनी खाता है, उन लोगों में भी ओरल कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा रिस्क फैक्टर हो सकता है एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। जो लोग बहुत ज़्यादा
अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उन लोगों में रिस्क ओरल कैंसर देखने को मिल सकता है। चौथा रिस्क फैक्टर हो सकता है फैमिली हिस्ट्री। पांचवा रिस्क फैक्टर हो सकता है एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट, कि आप सनलाइट में बहुत सारा अपनी बॉडी को एक्सपोजर देते हैं, उस केस में ओरल कैंसर हो सकता है। छठा रिस्क फैक्टर हो सकता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से ओरल कैंसर हो सकता है। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स थे जिन कारण ओरल कैंसर की संभावना बढ़ सकती है। बट ऐसा मत समझिएगा कि ये ओरल कैंसर केवल उन व्यक्तियों में ही होगा जिनके बारे में मैंने अभी बताया रिस्क फैक्टर्स है। 25% केसेस ऐसे भी होते हैं जो ना ही अल्कोहल पीते हैं ना ही टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, बट फिर भी उनमें ये ओरल कैंसर देखने को मिलता है। तो ये ओरल कैंसर ना केसे में भी हो सकता है, इसलिए अपने दांतों की ओरल कैविटी की देखभाल करना बेहद जरूरी है। हाँ, जो लोग मैंने बताया टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल्स वगैरह पीते हैं, जो मैंने सारे रिस्क फैक्टर्स बताए उनमें ओरल कैंसर की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की और ट्रीटमेंट की, कि कैसे डायग्नोस करें कि आपके ओरल कैंसर हुआ है या नहीं। ध्यान से सुनिएगा, आप डायग्नोसिस में पहला स्टेप होता है ओरल कैंसर स्क्रीनिंग, जिसमें प्रॉपरली माउथ के सारे स्ट्रक्चर्स को स्क्रीन किया जाता है कि कहीं पर भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ तो नहीं है। फिर बायोप्सी की जाती है कन्फर्मेशन के लिए, अगर कोई भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हमें दिखती है तो इस तरह डायग्नोसिस की जाती है। अब कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, रेडियोथेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है और दूसरे कैंसर की तरह सर्जिकल एक्सीजन भी दिया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। मुद्दे की बात करते हैं प्रिकॉशंस की, ऐसा आप क्या करेंगे कभी भी किसी भी भारतीय को ना हो। सबसे पहला प्रिकॉशन तो ये है कि आपको टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आज ही टोबैको छोड़ने का प्रण लीजिए। और सबसे पहले ना इसको छोड़ने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आपको पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि एक आदमी कैसे इतना एडिक्टिव हो जाता है कि वो टोबैको के बिना रह ही नहीं पाता। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, ये वीडियो आई बटन पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, ये वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ना प्रॉपरली मैंने टोबैको एडिक्शन के पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को छोड़ना है सबसे पहले ना हमें उस चीज़ की जड़ तक पहुँचना पड़ेगा, तभी वो चीज़ छोड़ी जा सकती है। और इस चैनल पर ना मैं आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें मैं ना आपके साथ कुछ उपाय शेयर करूंगा कि कैसे आप टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स को छोड़ सकते हैं बिना किसी परेशानी से। तो ये पहला प्रिकॉशन था। दूसरा प्रिकॉशन है कि आप न्यूट्रियस डाइट, अच्छी डाइट का कंजप्शन कीजिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी फूड, हेल्दी भोजन, फ्रूट्स खाइए, सैलड खाइए। तीसरा प्रिकॉशन, आप कम से कम कोशिश कीजिए सनलाइट का अपनी बॉडी को कम से कम एक्सपोजर दीजिए। चौथा प्रिकॉशंस, आप सेल्फ एग्जामिन करते रहिए, अपने आप को शीशे पर देख के ना आप सेल्फ एग्जामिन कीजिए कि कहीं पर भी आपके पूरी ओरल कैविटी में भी आपको कहीं पर भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ तो नहीं दिख रही। आप जब भी आपको दिखे सावधान हो जाइए, आप उसी समय डेंटिस्ट के पास चले जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चौथा प्रिकॉशन जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ना रेगुलर चेकअप करवाने की आदत डालनी है, कम से कम साल में एक या दो बार अपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाइए। क्योंकि जब आप रेगुलर चेकअप करवाते हैं ना तो कई बारी ऐसी बीमारी है जो नेक्ड आई से नहीं दिखती, वो डेंटिस्ट को पता लग जाती है और आपको डेंटिस्ट शुरुआती दौर में ही उस बीमारी के बारे में बता देता है और कभी भी आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी नहीं होती। ये थे कुछ प्रिकॉशंस, उम्मीद करता हूँ ये बेहतरीन वीडियो आपको समझ आई होगी और आपको समझ आया होगा कि ओरल कैंसर होता क्या है, कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कैसे डायग्नोसिस की जाती है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है और साथ ही साथ प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं। मैंने आपको कहा था ना इस चैनल पर ना हम वैल्यू देने में बिलीव करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाते जाते मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अपने पीले दांतों से परेशान हो चुके हैं ना तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आपके दांतों में कैविटी यानी दांतों में कीड़ा लग चुका है और उसको आप हटाना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ इन दो वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, जय हिंद।